राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन की ओर से होमगार्ड की मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन सिंह राठौर ने बताया कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे सरकारें आती है चली जाती है, मगर होमगार्ड जैसे कि तैसे बदहाल स्थिति में है। किसी भी सरकार को होमगार्ड पर दया नहीं आती। होमगार्ड जवान सरकार के आदेश की पालना में अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छी सेवाएं देते हैं, पर उनको मिलता क्या है? आज दुनिया डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रही है, वहीं होमगार्ड को अंग्रेजों के जमाने से बनाए गए नियमों के तहत संचालित किया जा रहा है। कोई भी इनकी सुनाई नहीं ले रहा। ऐसे में वर्तमान में 2500 युवाओं को और नहीं भर्ती के जरिए बेरोजगार की भीड़ में शामिल किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से संगठन की मांग है कि नई भर्तियों से पूर्व जो जवान पंजीकृत हैं उनको 365 दिन रोजगार मुहैया कराया जाए। साथ ही जिन जवानों को बिना किसी कारण और नियम विरुद्ध हटाया गया उनकी बहाली की जाए, तब तक नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, वैसे भी नए युवाओं को इस बेरोजगारी के दलदल में बचाया जाए। होमगार्ड विभाग जब मंत्री जी के मौखिक आदेश की पालना में जवानों को डिस्चार्ज कर सकता है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा लिखित में जारी किए गए आदेशों की पालना करने में एक्ट और नियम आड़े आते हैं। विभाग में नई भर्ती निजी हितों के तहत सरकार को गुमराह कर रही है, वरना इसकी वर्तमान में आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लगभग 60% नफरी वर्तमान में बेरोजगार भर्ती संगठन की ओर से सर्व सहमति के निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया जाता है। यदि हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन कर सड़कों पर उतरा जाएगा। इसी के तहत होमगार्ड का धरना निरंतर जारी है। आज आप इस धरने पे किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं और आपकी क्या क्या मांगे रहेंगी आगे? होमगार्ड जवानों की लंबे समय से नियमितीकरण की मांग चल रही है, उसको लेकर के धरना स्टार्ट किया गया। साथ में डिस्चार्ज जवान जो बिना किसी कारण बिना नोटिस के हटाए गए थे उनको लेकर धरने की शुरुआत की गई है। जैसा कि वर्तमान में विभाग भर्ती करने जा रहा है, अगर भर्ती कर ली जाती है तो डिस्चार्ज जवानों के अधिकार खत्म होते हैं, ये पद भरने से उनके अधिकारों का हनन होगा, इसलिए आज डिस्चार्ज जवानों के बहाली के लिए सरकार से वार्ता हो और इनके पद या तो रिक्त रखे जाएं नहीं तो नई भर्ती पर रोक लगाई जाए। मुख्यतः पूरे राजस्थान में लगभग 26,000 लोग पंजीकृत हैं वर्तमान में, जो ऑनरोल नफरी में हैं उनको सबको रोज़गार नहीं मिल पा रहा।